Hyundai ने क्रेटा को इंडियन मार्केट में लॉन्च करके धूम मचा दी है। जब से न्यू क्रेटा को लॉन्च किया गया है, बुकिंग्स ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। लेकिन अब Hyundai अपनी क्रेटा 2024 के एन लाइन को भी बहुत जल्द लॉन्च करने वाली है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे Hyundai क्रेटा एन लाइन रेगुलर क्रेटा से अलग है। Hyundai Creta N-Line को ऑलरेडी अनवील कर दिया गया है और आप इस कार को 25,000 रुपए देकर बुक करा सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट की। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है N-Line में वो है इसका अपीयरेंस, जो कि पूरा डिफरेंट है रेगुलर क्रेटा से। फ्रंट ग्रिल को कम्प्लीटली रीडिजाइन किया गया है, N-Line के बैजेस को ऐड किया गया है, बम्पर डिजाइन भी टोटली न्यू है और लोअर बम्पर में रेड इंसर्ट्स भी मिलते हैं। जो सेम है वो है कनेक्टेड LED DRLs और LED हेडलाइट्स। इनकी पोजिशनिंग भी रेगुलर क्रेटा जैसी ही है। बढ़ते हैं साइड की तरफ तो सबसे पहली नजर पड़ती है साइड स्कर्टिंग पर, जिसमें रेड इंसर्ट्स हैं। और एन लाइन में हमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसमें रेड पेंटेड ब्रेक कैरिपर्स आते हैं। वहीं रेगुलर वर्जन में हमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। बढ़ते हैं रियर की तरफ तो रियर हमें काफी सिमिलर मिलता है रेगुलर क्रेटा से। यहाँ पर इतने चेंजेस नहीं है। रियर में ट्विक्ड बम्पर डिजाइन, एन लाइन बैज टेल गेट पर, डुअल टेप एग्जॉस्ट और स्पोर्टियर रूफ इंटीग्रेटेड स्पॉयलर मिलता है। थोड़ा सा रिफ्लेक्टर को भी चेंज किया गया है। चलते हैं अंदर की तरफ और बात करते हैं इंटीरियर की। Hyundai ने ऑफिशियली इंटीरियर को रिवील नहीं किया है, बट कुछ इमेजेस हैं जहां इसका स्टीयरिंग चेंज लग रहा है और अंदर डैशबोर्ड पर रेड इंसर्ट देखे जा सकते हैं। ये स्टीयरिंग सिमिलर है जो Hyundai अपनी N-Line मॉडल्स के साथ देती है। इसके अलावा Hyundai ने बताया है कि इसमें ब्लैक इंटीरियर मिलेगा, जिसमें रेड क्रॉस स्टिचिंग रहेगी। वहीं रेगुलर क्रेटा हमें सिर्फ लाइटर केबिन थीम पर मिलती है। पावरट्रेन ऑप्शंस की बात करें तो Hyundai क्रेटा N-Line 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, जो कि 160 PS की पावर एंड 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। इसमें 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिलेगा। वहीं रेगुलर क्रेटा में हमें 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल सिर्फ टॉप एंड मॉडल्स में मिलता है और सिर्फ 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ आती है। एक्सपेक्टेड प्राइसेस की बात करें तो Hyundai क्रेटा N-Line को 17,50,000 रुपए के प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा। कोई खास कंपटीशन होगा नहीं इसका। Hyundai क्रेटा N-Line को 11 मार्च 2024 को लॉन्च कर दिया जाएगा। जहां कुछ लोगों को इस कार का इंतजार है, वहीं कुछ लोगों को ये कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। आप लोग नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको Hyundai क्रेटा N-Line कैसी लगी। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।